रोज बोलते हैं इनको पैसे मिलते हैं, लेकिन आपकी तो हाजिरी, आपकी तो सेवा है माँ के चरणों में। आज आपको मौका मिला है तो आपने बोलना, आपके लिए कहने जा रहा हूं, अब आप बोलेंगे जयकारा मंदिर वाली का बोल, जय दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। किस किस की माँ लगती है पूछना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि वही बोलेगा जिसकी माँ लगती है, जिसकी नहीं लगती वो नहीं बोलेगा। और मानो तो सबकी माँ है, हम कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही बूढ़े, इस माँ के लिए तो बच्चे हैं, साथ में अपने माँ बापों के लिए भी हम बच्चे रहेंगे, कितने ही बड़े हो जाएं। तो एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे, मेरे साथ मिलके कहिए, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, मैंने कहा जिसकी माँ लगती वही बोले, जिसकी नहीं लगती जबरदस्ती किसी से नहीं है, है या नहीं, मिलके बोलिए, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, तो बोलो जय माता की, पूरे करे अरे मान जो सारे, पूरे करे अरे मान जो सारे, पूरे करे अरे मान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, कौन देती है, दुर्गा है मेरी माँ, यही बोला है, इसी भजन में आपकी हाजिरी चाहूंगा, मिलके बोलिए, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, बोलिए सभी, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, ओ पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, मिलता नहीं निशान, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, ओ पर्वत पर्वती Yeah,
ये हाजिरी है, ये सेवा है। हम जितनी बार माँ को पुकारते हैं, माँ को अपने बिल्कुल करीब पाते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के उस माँ को दिखाइए, जिनको माँ ने दो हाथ दिए सीधे हाथ उठाएंगे और दोनों हाथ की ताली बजाते हैं मैया रानी को पुकारेंगे और मिलकर कहेंगे दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, सच्चे दरबार की। ओ मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारू मैया की। अच्छा मुझे ये बताइए सभी, आज माता रानी किस किस को प्यारी लग रही है? देखिए माता रानी को देखें और ये यहां तक देखो, माँ की पलकें अपने आप झपकती हैं, खुलती हैं। देखो महारानी कितनी करामात है कारीगरों की, साक्षात माता रानी विराजमान है। आज परिवार में आज जब कोई प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, दिल करता है इसको किसी की नजर ना लगती है। आज हमें मौका मिल गया इस महारानी की नजर उतारने का और बड़ा आसान सा तरीका है। तालियों के साथ और मेरे साथ मिलके बोलिएगा महारानी की नजर उतरेगी। कह दीजिए सच्चे दरबार की। आएगा जरा दोनों हाथ की ताली बजाएं, 1 2 3 4। कोशिश कर रहा हूँ माहौल गर्म रहे, सभी हाथी लगाए, सभी झूमे नाचे, लेकिन आप पानी पिला पिला के ठंडा कर रहे हो। जिनको प्यास लगेगी वहाँ जाएंगे, पानी अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, वहाँ जाके पानी पियेंगे। दरबार में ना पिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, हाँ इसमें खलल पड़ता है ना। मैं चाहता हूँ आपकी लो लगे मैया रानी के चरणों में, लेकिन बीच में जब आप आओगे तो फिर बार बार हाँ। आइए दोनों हाथ जोड़ी ताली बजाते हुए। ओ मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारू मैया के, ओ मेरी पाल लगेगी मैया, सबकी पारी लगेगी मैया, सबकी पार लगेगी मैया, सबकी पार लगेगी मैया, मैं नजर उतारू मैया की। मेरे घर में ना कोई आसन है, ना चौकी ना ही सिंहासन है, ना चौकी ना ही सिंहासन है।
हंसी शरदा की है छैया हंसी शरदा की है छैया नजर उतारो मैया मेरे घर में आए मैया नजर उतारो मेरे घर में कोई पकवान नहीं मेरे घर में कोई पकवान नहीं सुख का कोई सामान नहीं सुख का कोई सामान नहीं खड़ा पसारो भैया खड़ा पसारो भैया मैं नजर उतारो भैया मेरे घर में आए भैया सज भज कर बैठी माँ सज भज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए सज भज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए आओ नजर उतारे मैया आओ नजर उतारे मैया के आओ नजर उतारे मैया आओ नजर उतारे मैया के मेरे आपो नजर ना लग जाए मेरे आपो नजर ना लग जाए मेरा वाली को नजर ना लग जाए मेरा वाली को नजर ना लग जाए कोई काजल बिबिया ले आओ कोई काजल बिबिया ले आओ मेरी माँ को टीका लगा जाओ मेरी माँ को टीका लगा जाओ कोई काजल बिबिया ले आओ मेरी माँ को टीका लगा जाओ इस प्यारे प्यारे मुखड़े को प्यारे प्यारे मुखड़े को इस भोले भाले मुखड़े सच भज कर बैठी माँ सच भज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए सच भज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए मेरी माँ का मुखड़ा भोला मेरी माँ का मुखड़ा भोला जेना वाली का मुखड़ा भोला जेना वाली का मुखड़ा भोला चुनरी में चंदा लिपटा प्यारे प्यारे मुखड़े को प्यारे प्यारे मुखड़े को इस भोले भाले मुखड़े को भोले भाले मुखड़े को कहीं खुद की नजर ना लग जाए 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 सज सज कर बैठी माँ सज सज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए सज सज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए और भगत लोग कहते हैं जरूर से ज्यादा किसी को धन दौलत मिल जाए तो उस इंसान का दिमाग घूम जाता है यहाँ तक कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता और भगवान को भी भगवान नहीं मानता ऐसे हरियाणा की ताई की बात सुनाने जा रहा हूँ भजन के माध्यम से और सुनने वाला भजन है क्योंकि हर एक भजन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है उसे हम ध्यान से सुने तो अपने आप उसके उत्तर पर पहुंच जाएंगे आइए सुनेगा उस ताई से किसी ने कह दी उस ताई से किसी ने कह दी अगर ताई ने किसी ने कह दिया ताई से कि ताई राम राम क्या मैं ला लेती तेरी राम राम के ताई जय माता की मैं ना लेती तेरी जय माता की मरने के जूत पड़ी राम का नाम लेने की मरने के जूत पड़ी माँ का नाम लेने की चार चार कोठी है चार चार बेटे हैं किसी चीज की जरूरत नहीं है आई भजन के माध्यम से सुनेगा सुनने वाला भजन क्यों नाम रटन लागे मैं क्यों नाम रटन लागे मैं क्यों
कर रही चाल मैं तो राम रतन लागो अरे अरे मेरे बेटे भी सहचार मैं क्यों राम रतन लागो अरे अरे मेरे बेटे भी सहचार मैं क्यों राम रतन लागो और सुनेगा क्या कह रही है ध्यान से सुनेगा एक एक शब्द सुनने वाला है हो तो बेटे मेरे गए फौज में तो बेटे मेरे गए फौज में सारा गुण माखणी मौज में सारा गुण माखणी मौज में तो बेटे मेरे गए फौज में सारा गुण माखणी मौज मेरा बालम थाने अब थाने में भी हुकूमत अपनी कमी कहीं नहीं है मेरा बालम थाने मैं तो राम रतन लागे अरे मेरे पोते बड़ रही चाल मैं क्यों राम रतन लागे ओ मैं क्यों राम रतन लागे 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 अरे अरे मेरे पोते बड़ रही चाल मैं क्यों राम रतन लागे अरे अरे मेरे पोते बड़ रही और सुनेगा क्या कह रही आगे सुनेगा जिप छोरा की हुई सगाई और जिप छोरा के हुई सगाई मोटर कार मुफ्त में आयो मोटर कार मुफ्त में आयो जिप छोरा के हुई सगाई मोटर कार मुफ्त में आये टिके में सही जब छोरों को टिका हुआ बड़ी बड़ी परात रखी हुई थी स्टील की नोटों से भर गई ताई बहुत खुश और कह रही है टिके में कई हजार मैं क्यों राम रतन लागे अरे अरे मेरे पोते बड़ रही चाल मैं क्यों राम रतन लागे 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 अरे अरे मेरे पोते बड़ रही चाल मैं क्यों राम रतन लागे अरे अरे मेरे पोते बड़ रही और क्या कह रही है ध्यान से सुनेगा ओ तगड़ी से मारी रिश्तेदार भाई तगड़ी से मारी रिश्तेदार ये जितनी भी मेरी रिश्तेदारी है सब अमीर है करोड़पति है सब लेकिन मैं सबसे ऊपर हूँ मैं जो बात कहती हूँ मेरी बात चलती मेरा हुक्म मानते हैं सभी क्या कह रही है ओ तगड़ी से मारी रिश्तेदार तगड़े से मारी रिश्तेदार यो बैठी मैं हुक्म चला रे यो बैठे मैं हुक्म चला रे तगड़ी से मारी रिश्तेदार यो बैठी मैं हुक्म चला रे मेरा पियर साहू अब पियर वाले भी साहूकार है कमी कहीं नहीं है मेरा पियर साहूकार मैं क्यों राम रतन लागे अरे मेरे पोते बड़ रही चाल मैं क्यों राम रतन लागे ओ मैं क्यों राम रतन लागे मैं क्यों राम रतन लागे ओ मैं क्यों राम रतन लागे मैं क्यों राम रतन लागे अरे अरे मेरे पोते बड़ रही चाल मैं क्यों राम रतन लागे अरे अरे मेरे पोते बड़ रही चाल मैं क्यों राम कहते हैं जीवन की असली सच्चाई जिससे हर एक इंसान दूर भागना चाहता है जब ताई ठीक थी जीवन की असली सच्चाई कौन सी पता है क्या है क्या नाम क्या नाम सुमित सुमित रोहला जी मैंने कहा जीवन की असली सच्चाई क्या है ये कह रहे हैं शादी शादी अच्छा दूर भागना चाहते हैं जीवन की असली सच्चाई है बुढ़ापा जिससे हर एक इंसान दूर भागना चाहता है चाहे वो शादी करे या ना करे जब ताई ठीक थी बिल्कुल जवान थी चार चार बेटे चार चार भूमि अगर बेटों से कह दे कि बेटा ये काम कभी ले माँ फौरन कर देते थे और बहुओं से कह दे कि बहू ये काम कभी ले माँ फौरन कर देते अब ताई बहुत बूढ़ी हो गई
बेटों से कहती है बेटे नहीं सुनते और बहुओं से कहती है तो बहुएं उल्टी आंखें दिखाती हैं। आइए सुनिए क्या बेटे मेरा कहना पुकारो बहुएं सारी आंख दिखावे भजन सुन रहे हो अच्छी बात है लेकिन ये पैर अपने मैया रानी को मत दिखाओ। हमारे घर में भी जहां मंदिर बनाता है हम उस तरफ करके पैर नहीं बैठते। ये तो मां का पूरा दरबार सजा हुआ है और महारानी की जोत मेन बात ये ज्वाला स्वरूप ही जोत है। इस जोत को हम किसी दिया सलाई किसी माचिस से नहीं जलाते। देखा था आप सभी ने लंगर को उसमें से अग्नि के कण निकलते जो कि जोत में जाके समाते हैं जब ये ज्वाला प्रचंड होती है। इसलिए इसे कहा जाता है सुचियां जोतां वाली माता। और इसको छुआ के अगर कर दिया तो वो सुची कहां से रही है नहीं कह तो सच्चे दरबार की बेटे मेरा कहना पुकारो बहुए सारी आंख दिखावे बहुए सारे आंख दिखावे बेटे मेरा कहना पुकारो बहुए सारी आंख दिखावे मेरी पड़ी खटोली बा। अब गांव में गाय भैंसों का तबेला बना होता है उस तबेले के पास झोपड़ी बनी हुई है। बेटों ने क्या करा अपनी माँ की खाट झोपड़ी में डाल दी और माँ को वहाँ बैठा दिया। कहती माँ कि माँ जो मांगेगी मिलेगा सब यही मिलेगा घर के भीतर आने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तू चैन से रहती नहीं हमें रहने नहीं देती। अब ताई खाट पे बैठी क्या कह रही है ओ मेरी पड़ी खटोली नचनी पहनी झुमका पहना पहना ढोलक हार ओ नचनी पहनी झुमका पहना पहना ढोलक हार ओ हाथ में कंगन पाओ बजनिया ओ हाथ में कंगन पाओ बजनिया कर सला सिंगार भजन भई चम चम ना तो भजन भई चम चम ना तो मैया के मेले
सांस चाली जगा नारियल डोली और कलावा सांस चाली जगा नारियल डोली और कलावा सांस चाली जगा नारियल डोली और कलावा ओ लाल चुनरिया चली सजा के जाओगी वृंदावन जाओगी सखी
की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में क्या कह रही है छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में और आप अपनी जगह भी छोड़कर नहीं आ सकते जो बिहार जी की सखियां बिहारी जी की जो भक्तनियां आओ जरा उनके थोड़ी सी सेवा है ये सेवा यही से किसी कहते हैं सेवा छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी वृंदावन जाओगी अब कैसे धारो धीर सखी वृंदावन जाओगी वृंदावन जाओगी बोलो वृंदावन में हरि लाल की लहरी लहरी चुनरिया लहरी 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 चुनरिया चुनरिया आप लोग पकड़ लीजिए एक तरफ से आप आ जाइए और सभी के ये सेवा है सभी अपने माथे से लगाएगा चुनर को आएगा रविंद्र जी आपके माथे से लगाओ आएगा लहर लहे चुनरिया लहर लहे लहर लहे चुनरिया लहर लहे जब पंज जकोरा आए चुनरिया लहर लहर लहे जब पवन जकोरा आए चुनरिया जब पवन जकोरा आए चुनरिया लहर लहर लहे पवन जकोरा आए लहर लहे चुनरिया लहर लहे लहर लहे चुनरिया लहर लहे किसी और के आई है मचेरा वाली जिसको ब्रह्मा ने बनाया जिसको विष्णु ने सजाया जिसको ब्रह्मा ने बनाया जिसको
चुनरिया सतरंगी चुनरिया सतरंगी मुझे रंग दे ओ रंगरेज चुनरिया सतरंगी है ना। थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा आपको, बहुत पुराना भजन है ये। आइए हुकुम हुआ एक श्याम बाबा का भजन, कौन कौन सुनना चाहते हैं? क्योंकि कलयुग में बाबा खाटू धाम में बैठे हैं और जो भी मांगता है। लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं, नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं, कैसे नैया होगी पार, छूट गई पतवार, कैसे नैया होगी पार, छूट गई पतवार। ओ शाम, ओ शाम तू हाथ लगा जा, तेरा दास बोलना भी बोलिए थी, पहुंचनी थी आवाज बाबा तक हमारी। हरे के तेरा दास पुकार, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। हम तो लेकिन हमारे को तो महारानी ने रोजगार दिए, सेवा दिए, और इस सेवा के आगे सरकारी नौकरी भी फेल है। महारानी अपने चरणों में दिन रात रखती है और इतनी कृपा महारानी की, कमी कोई कमी नहीं आने देती, कभी घाटा नहीं आने देती हमारे को, और सब कुछ हमारे परिवार का ऐसी से चलता है। क्या तो सच्चे दरबार, हम सेवा में लगे रहते हैं, महारानी हमें लगाए रखती है। आएगा हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा।
टूट गई पतवा कैसे हो गई पार टूट गई पतवा कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवा कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवा ओ शाम तुम्हारी बनाया कैसे होगी सरकार ओ तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार ओ तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार ओ तेरे होते मेरे हार कैसे होगी सरकार ओ शाम तो वीर बनता होके लीले पे सवार आजा बाबा एक बार होके लीले पे सवार आजा बाबा एक बार होके लीले पे सवार आजा बाबा एक बार होके लीले पे सवार ओ शाम तू हीर बनाता I'm not
रंग रंग दे शक्ति का एक रंग रंग दे शक्ति का दूजा रंग रंग दे शक्ति का तीजा रंग रंग दे शक्ति का तीजा रंग रंग दे शक्ति का कुछ तो क्या समझाऊं मैं कुछ तो क्या समझाऊं तुम्हारी हाथ से रंग ولكنك تجد انك 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 تجد
चलते जाओ
देखो अपने पांव उठा लो ओ चलते जाओ तुम देखो अपने पांव उठा लो हो उसने कितना तेरे सहारे चरण दूतना जब ऊंची की चढ़ाइयां चलके भगत माँ के दरबार पहुंचता है जब वहां का सुंदर नजारा देखता है तो लौट के आने को दिल नहीं करता है माँ से एक ही बात कहता है क्या कहता है तेरा दर छत को मैं धरा नहीं मेरा हो रुको ठिकाना तेरा दर छत के मैं धरा नहीं जब माँ का प्रसन्न करता है माँ का दीदार करता है तो माँ से एक ही बात कहता है क्या कहता है तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जो तवाली तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जो तवाली ओ शेरा वाली ओ आया वाली ओ मेरा वाली ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जो तवाली मैं रह ना पाया शेरा वाली मैं आया ये तबाले तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जो तबाले और जो माँ के लाड़े भगत होते हैं माँ के प्यारे भगत होते हैं माँ के बच्चे होते हैं जो माँ से जिद भी करते हैं और किस तरह माँ से कहते हैं तू ठीक न देखी तो मैं शोर मचा दूंगा तू ठीक न देखी तो मैं शोर मचा दूंगा तू ठीक न देखी तो मैं शोर मचा दूंगा तू ठीक न देखी तो मैं शोर मचा दूंगा हर मानने वाले तो हर मानने वाले तो बता दूंगा तू ठीक न देखी तो मैं शोर मचा दूंगा तू ठीक न देखी तो मैं शोर मचा दूंगा वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं रोते रोते आते हैं हंसते हंसते जाते हैं रोते रोते आते हैं Oh,
कह दीजिए सच्ची दरबार की।